पुलवामा के जाबाज शहीद सब नहीं, इसको जो भी बोलता है वो उसे अपना लेती है और बहुत ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर पहुंचा देती है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। आज हम ये वो मुशायरा पढ़ने जा रहे हैं जो उर्दू जबान में है, कि उर्दू है जिसका नाम दाग दहलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। वो मेरे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आज के इस गजिया दौर का आगाज मैं करने जा रहा हूं सदर मुशायरा की इजाजत से। आइए इस दौर के मतलब यानी मेरी मुराद आप ही, हमारे ही शहर के एक नौजवान शायर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो पेशे दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, इंग्लिश के मुदर्रिस हैं, साथ ही साथ उर्दू में शायरी करते हैं। ये उर्दू का दो शायर माइक पर आज होगा, उनको कुर्बानी दीजिए। मैं आपसे मुद्दा में सो, देखिए शायर को आपकी दाद चाहिए तभी वो पढ़ पाएगा। दाद वाहवाह से भी होती है और तालियों से भी होती है। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो इसका सबूत ये होगा कि आपके हाथ किसी दूसरे के जेब में है, ऐसा तो नहीं है ना, आपके हाथ आपके साथ ही हैं। तो जोरदार तालियां बजा के आज के इन दौर के पहले शायर जनाब नवीद अंजुम शाहिद को इजाजत दीजिए माइक पर। जनाब नवीद अंजुम शाहिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस मुशायरे को अंजाम देने में जिन जिन शख्सियतों ने दामे दरमे सुखने जैसे भी मदद फरमाई है उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक अरसे दराज के बाद इस सरजमीन में कुछ अदबी महफिल का इनेकाद अमल में आया है तो लायक मुबारकबाद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की महाफिल हमारी सरजमीन में हमेशा फिर सजती रहेंगी, क्योंकि गुरमिट काल की सरजमीन को एक अदबी सरजमीन का दर्जा हासिल है और हमें इस वखार को बाकी रखना है। ये हमारे जिम्मे है कि हम इसकी जो है इस वखार को जो है हम बाकी रखें। आइए बिला तमसील, हमें बहुत सारे मौजिज शोराए किराम को सुनना है। मैं मेज़बान शायर की हैसियत से आपको आपसे थोड़ा सा वक्त लूंगा, उसके बाद आपको दूसरे शोरा हजरात की भरपूर दाद देनी है। मैं एक मरतबा मेरी तरफ से गुजारिश करता हूं कि जो भी शायर यहां पढ़ने के लिए आए आप उसे इतनी दाद दें कि वो फिर, जैसा कि मुहिब साहब ने अपनी खिदमात यहां अंजाम दी, वो दोबारा यहां आने पर जो है मुतमन्नी हो जाए, राजी हो जाए। आइए मैं मुशायरे की शुरुआत अपने इस कलाम से करना चाहता हूं कि सदर मोहतरम की इजाजत। शेर देखिए कि हौसलों का सबक लो तो शाही से लो, हौसलों का सबक लो तो शाही से लो, हौसलों का सबक लो तो शाही से लो। आसमानों में उड़ती हैं कब तितलियां, हौसलों का सबक लो तो शाही से लो, आसमानों में उड़ती हैं कब तितलियां। एक और शेर कहने की जो है मैंने जरूरत की है कि हम शोरा आप लोगों की नजरों के सामने रहते हैं लेकिन कई एक ऐसी शख्सियतें होती हैं जो हमारे पुष्ट पनाही में काम करती हैं और उनका भी वही रुतबा होता है जो हमारा होता है और जो कभी मंजर आम पर आने की कभी ख्वाहिश नहीं रखते। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि कई चेहरे हैं पोशीदा, कई चेहरे हैं पोशीदा अदब वालों की नजरों से, कई चेहरे हैं पोशीदा अदब वालों की नजरों से,
नहीं हाजत जिन्हें शाहिद दिखावे की उड़ानों से, वो हमें खिदमत करना चाहते हैं, नहीं हाजत जिन्हें शाहिद दिखावे की उड़ानों से। एक और शेर मैंने, मेरा तजुर्बा भी है कि शकील साहब शेर समाप्त फरमाए, यहाँ किस्मतें हैं जुदा जुदा, यहाँ किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये सबक मिला मुझे फूल से, ये सबक मिला मुझे, यहाँ किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये सबक मिला मुझे फूल से, कोई जड़ गया किसी ताज में, कोई रह गया है मजार पर। यहाँ किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये सबक मिला मुझे फूल से, कोई जड़ गया किसी ताज पर, कोई रह गया है मजार पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक शेर ये भी यूज किया है कि गमजदा इतना नहीं हूँ कि मैं भूलूँ तुझको, गमजदा इतना नहीं हूँ कि मैं भूलूँ तुझको, मैंने सीखा है फकीरी में गुजारा करना, मैंने सीखा है फकीरी में गुजारा करना। एक शेर यूं यस किया है कि सब चाहते हैं शाहिद शोहरत जमीन की बस, सब चाहते हैं शाहिद, इस तरफ आपका जहन ले जाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप उधर पहुंच जाएंगे, कि सब चाहते हैं शाहिद शोहरत जमीन की बस, करता है कौन खिदमत राजी खुदा को करने, करता है कौन खिदमत राजी खुदा को करने। एक किताबी अर्ज हुआ है कि सारी खलकत में ऐसा कहाँ है कोई, सारी खलकत में ऐसा कहाँ है कोई, जिसको सब लोग दुनिया में कहते हैं माँ। अच्छा, सारी खलकत में ऐसा कहाँ है कोई, जिसको सब लोग दुनिया में कहते हैं माँ, उसकी आगोश में यूं लगे हैं मुझे, उसकी आगोश में यूं लगे हैं मुझे उससे बढ़कर नहीं कोई जग में हमा, उससे बढ़कर नहीं कोई जग में हमा। एक और खिताब आपके हवाले करना चाहता हूं कि कभी हम बख्श देते हैं कभी इकराम करते हैं, कभी हम बख्श देते हैं कभी इकराम करते हैं मसीहाई के हम ऐसे बहुत से काम करते हैं। कभी हम बख्श देते हैं कभी इकराम करते हैं, मसीहाई के हम ऐसे बहुत से काम करते हैं, अमीर शहर से कह दो कि मेरे पाँव न यूं पकड़े, अमीर शहर से कह दो मेरे पाँव न यूं पकड़े, कि जो हम ठान लेते हैं वही फिर काम करते हैं। बहुत अच्छे। अमीर शहर से कह दो मेरे पाँव न यूं पकड़े, कि जो हम ठान लेते हैं वही फिर काम करते हैं। मेरे लिए मुशायरा एक खास इसलिए भी है क्योंकि आज मैं उसी जगह खड़े होकर अपनी जिंदगी का पहला मुशायरा कर रहा हूं जहां से मैंने तालीम हासिल की, यही वो आशिकाना है जहां पर हमने तालीम की जो है बुनियाद डाली थी। मैं उन असातिज़ा का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो मुझे इस मकाम पर लाए हैं, मैं उनकी नजर कुछ शेर अदा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी हमने सीखा उस्ताद की बदौलत, जो कुछ भी हमने सीखा उस्ताद की बदौलत, पाया मकाम ऊंचा उस्ताद की बदौलत, जो कुछ भी हमने सीखा उस्ताद की बदौलत, पाया मकाम ऊंचा उस्ताद की बदौलत, राहें नई खुली हैं अफलाक से भी आगे, राहें नई खुली हैं अफलाक से भी आगे, हमको मिला है रास्ता उस्ताद की बदौलत, हमको मिला है रास्ता उस्ताद की बदौलत, उस्ताद मेरे सारे यारब रहे सलामत, उस्ताद मेरे सारे यारब रहे सलामत, मंगना दुआ भी सीखा उस्ताद की बदौलत, उस्ताद मेरे सारे यारब रहे सलामत, मंगना दुआ भी सीखा उस्ताद की बदौलत। एक गजल और एक पुलवामा के जाबाज शहीदों के नाम एक तीन बंद मुख्तसर से पढ़कर मैं अपनी जगह दूंगा। गजल मतलब कुछ यूं अर्ज किया है कि
अपने हालात पर जो नजर कीजिए, अपने हालात पे जो समझे चाहूंगा, अपने हालात पर जो नजर कीजिए, अपनी ख्वाहिश को फिर मुख्तसर कीजिए, अपने हालात पर जो नजर कीजिए, अपनी ख्वाहिश को मुख्तसर कीजिए। हजीरों साहब शेर तवज्जो फरमाएं, दूर हो जाएंगे सारे रंजो अलम, दूर हो जाएंगे सारे रंजो अलम, दूर हो जाएंगे सारे रंजो अलम, साथ हमको कभी हम सफर कीजिए। दूर हो जाएंगे सारे रंजो अलम। अब आपने अपने ख्वाहिश का इजहार किया है, बहुत देर कर दी आपने। अगला शेर भी उसी की तरफ इशारा है। जी बिल्कुल इशारा। दिल की हसरत तो ज्यादा नहीं है मगर, अच्छा दिल की हसरत तो ज्यादा नहीं है मगर, एक ख्वाहिश तो पूरी मगर कीजिए। बहुत अच्छे। दिल की हसरत तो ज्यादा नहीं है मगर, एक ख्वाहिश तो पूरी मगर कीजिए। नहीं, पूरी हो चुकी है काली बगर, पूरी हो चुकी है। शेर समझे चाहूंगा, सुरखरूगर कयामत में होना है तो, अच्छा सुरखरूगर कयामत में होना है तो, अपनी ख्वाहिश को जेरो जबर कीजिए। किसको आती है अश्कों की भाषा समझ, किसको आती है अश्कों की भाषा समझ, अपने अश्कों को नजरे गोहर कीजिए। अच्छा, अपने अश्कों को नजरे गोहर कीजिए। मक्ता कुछ निवास किया है कि मक्ते से पहले एक और शेर है, माफी चाहता हूँ। चाहे तुमको सिला कुछ मिले ना मिले, चाहे तुमको सिला कुछ मिले ना मिले, जुस्तजू इल्म की उम्र भर कीजिए। बहुत अच्छे। चाहे तुमको सिला कुछ मिले ना मिले, जुस्तजू इल्म की उम्र भर कीजिए। बहुत मस्त किया है कि होगा दुश्मन भी शाहिद हर एक खैर खा, होगा दुश्मन भी शाहिद हर एक खैर खा, बस ख्यालात को मोतबर कीजिए। बहुत अच्छे। होगा दुश्मन भी शाहिद हर एक खैर खा, बस ख्यालात को मोतबर कीजिए। अब आइए एक और उनवान के तहत हमने मुशायरे का इंतजाम किया है, उसके तीन बन हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सभी शामिल हो जाएं कि नफरतों को मिटाकर मोहब्बत करें, नफरतों को मिटाकर मोहब्बत करें, कुछ कदम तुम बढ़ो कुछ कदम हम बढ़े। बहुत अच्छे। नफरतों को मिटाकर मोहब्बत करें, कुछ कदम तुम बढ़ो कुछ कदम हम बढ़े, ये तनफुर मिटे और मिटे तलखियां, ये तनफुर मिटे और मिटे तलखियां, जंग से सिर्फ मिलती है बर्बादियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तनफुर मिटे और मिटे तलखियां, जंग से सिर्फ मिलती है बर्बादियां, कितनी मासूम जाने गई हाथ से, अच्छा कितनी मासूम जाने गई हाथ से, कितनी माओं ने खोया है नूरे नजर, बेबसी का तमाशा बनी बीवियां, जंग से सिर्फ मिलती है बर्बादियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितनी मासूम जाने गई हाथ से, कितनी माओं ने खोया है नूरे नजर, बेबसी का तमाशा बनी बीवियां, जंग से सिर्फ मिलती है बर्बादियां। आखिरी बंद समाप्त फरमाए, कब तलक हमको सहना है जुल्मों सितम, कब तलक हमको सहना है जुल्मों सितम, कब तलक खूने नाहक बहेगा यहाँ, घर मेरा है जला और तेरा आशिया, जंग से सिर्फ मिलती है बर्बादियां। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।